कहते हैं कि 20% लोगों के पास ही दुनिया का 80% जो पैसा और रिचनेस है। कैसे ये 20% लोग इतने प्रोडक्टिव हो सकते हैं? तो आज एक लॉ के बारे में स्टडी करेंगे जिसको कहते हैं द पैरेटो लॉ, पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन और 80-20 लॉ, जो इस बात को क्लियर करता है। माईसेल्फ तरमप्रीत सिंह, और मेरे बारे में और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। कोई भी सुजेशन हो, कोई भी एडवाइस हो, या कोई भी आपकी डिमांड हो कि किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या पर्सनल भी कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं। तो ये जो पैरेटो लॉ है, जिसको 80-20 लॉ भी कहते हैं और पैरेटो डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ये एक इंजीनियर था द पैरेटो, अराउंड 70s के करीब थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स का एक लॉ बनाया था द 80-20 लॉ, जिसका आगे चल के नाम 80-20 रूल भी कहते हैं जिसको हम। तो ये रूल कहता था कि द जो 80% ऑफ वेल्थ है ना, वो अकुमुलेट करता है 20% ऑफ हमारा जो पब्लिक का स्टाटा है, मीन्स 20% ऑफ लोग ही अकुमुलेट करते हैं 80% वेल्थ को। और ये लॉ उन्होंने एज ए स्टैंडर्ड बनाया था कि 80-20 लॉ लाइफ के मोस्ट ऑफ द डोमेन में वर्क करता है, कि जो हमारा 80% ऑफ सक्सेस है, हमारा 80% ऑफ वेल्थ है, 80% ऑफ हैप्पीनेस है, वो हमारे 20% ऑफ एफर्ट में से प्रोड्यूस होता है, उसका रिजल्ट होता है। तो इस लॉ को स्टडी करते हैं। ये लॉ कहता है कि 80% ऑफ जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, वो हमारे 20% ऑफ एक्शन से निकलता है, और कह सकते हैं कि द 80% ऑफ रिजल्ट और आउटकम्स इज जनरेटेड बाय द 20% ऑफ एफर्ट्स। तो इस लॉ से कैसे हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, कैसे हम अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इस लॉ, ये लॉ बताता है जो 80% ऑफ आवर हैप्पीनेस है ना, वो हमारे सर्कल के 20% लोगों में से ही जनरेट होती है, या उसका रीजन वो 20% लोग होते हैं। और इसका वाइस वर्सा देखा जाए तो 80% ऑफ आवर लाइफ प्रॉब्लम्स आल्सो जनरेटेड बाय द 20% ऑफ आवर सर्कल। तो इसको कैसे यूज कर सकते हैं? तो आपको बस इतना ही करना है कि आप कंसंट्रेट करें, कि आपने फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे 20% एफर्ट हैं जो 80% ऑफ आउटकम जनरेट कर रहे हैं, 80% ऑफ रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं। आपने उसको फाइंड आउट करना है और उसको बढ़ाना है, उन एक्शन को इम्प्रूव करना है, अपनी मल्टीटास्किंग या आप जितने भी एफर्ट कर रहे हैं, जितनी जगह भी आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उसको बचा के आपने सिर्फ उस 20% पे फोकस करना है जो आपका 80% ऑफ रिजल्ट, वेल्थ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस बना रहा है या जनरेट कर रहा है। और दूसरा इसका पार्ट ये है कि आपने देखना है कि द 80% ऑफ लाइफ प्रॉब्लम विल आल्सो बी जनरेटेड बाय द 20% ऑफ, कह सकते हैं, पीपल्स और अवर एक्शंस। आपने फाइंड आउट करना है कि वो 20% की जो लाइफ में मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, या कह सकते हैं कि 80% ऑफ प्रॉब्लम आपके जनरेट कर रहा है, ऐसे बंदे, ऐसी हैबिट्स और ऐसे एक्शंस, इनको एलिमिनेट करना है, इसको कम करना है या इग्नोर करना है, कैसे भी कह सकते हैं कि आपने इनको कम करना है, और जिससे किया कि आपकी 80% जो प्रॉब्लम है ना, वैसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप अपनी लाइफ में भी ये अपना के देखें, और चैनल पे और भी कंटेंट है काफी यूजफुल, वो भी देखने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।